हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कल वीडियो नहीं आया, सॉरी, बट हम भी डिप्रेशन में जा चुके हैं। कल कितना अच्छा, एकदम कोल्ड प्ले का कॉन्सर्ट का टिकट लाइव आया, ठीक ना, लाइव आया। सोचे पापा से बात करते हैं कि जाके हमको जाना है, तो लेट्स गो। जाके बात करते करते आके डिसीजन जब लिए कि हाँ जाना है हमको, तब तक मैं सोल्ड आउट मतलब टाइम भी नहीं लगा एकदम पूरा, जितना मतलब जितना टाइम था सब सोल्ड आउट, कुछ नहीं बचा। फिर वो कोल्ड प्ले फिर और एक अनाउंसमेंट किया कि वो लोग को लग रहा था कम पड़ रहा था, तो वो भी सोल्ड आउट। मतलब लाख, मतलब 100 की वेटिंग, 102 की वेटिंग, ऐसा चल रहा था वेटिंग में। मतलब हम, बाप रे बाप, सोच रहे हो कोल्ड प्ले का ऐसा क्रेज है। BTS आ गया तो मतलब चांस ही नहीं है। 2 दिन पहले से रिफ्रेश कर करके बैठना पड़ेगा हम लोग को पेज। ओ, हम सोचे कोल्ड प्ले, कोल्ड प्ले का तो म्यूजिक बहुत पहले से सुने हैं हम, तो सोचे जाते हम। मतलब हमको क्राउडेड एरिया पसंद नहीं है, हम कहीं जाते नहीं है, एकदम हम क्राउड से दूर रहना चाहते हैं। तो जैसे मतलब हुआ ना, हमको क्राउड के उधर जाना था, तो मतलब बहुत ऑड डिसीजन था मेरे तरफ से, पर एक बार तो हम अपना वो क्राउड का जो, मेरे को क्राउड से जो एलर्जी है उसको दूर करने के लिए, मतलब दूर नहीं, मतलब वो तो होने नहीं वाला, हमको पसंद है नहीं, तो पर भी एक बार सोचे कि हाँ भाई उसको साइड रख के, हाँ वो होगा होगा, एक बार जाते हैं, क्योंकि एक बार तो कॉन्सर्ट जाना है। और ऐसा इंसान का जाना है जो मतलब कोल्ड प्ले का कोई भी एकदम, अगर होता है ये तो लाइफ टाइम एक्सपीरियंस बोला जाता है उसका कॉन्सर्ट को, तो हम सोचे क्यों ना, अगर जाया जाए तो बिगेस्ट जाया जाए। तो आई एम वेरी सैड कि नहीं मिल पाया टिकट, बट कोई नहीं, ट्राई करेंगे अभी हम और भी। और अभी तो मतलब अब डिसीजन ले लिए, तो अब फ्यूचर में भी ट्राई करेंगे कोई अच्छा कॉन्सर्ट का ये मिलने पे। क्या बोलते हैं, कोई आर्टिस्ट अच्छा मिलने पे, जैसे एग्जांपल ले लो लंदन में एड शीरन और अरिजीत सिंह का कॉन्सर्ट हुआ था, तो जिसका वो परफेक्ट का क्लिप वायरल हो रहा है, अरिजीत सिंह सिंगिंग परफेक्ट का। तो वो वैसा कुछ इंडिया में होता था, पर भी जाएंगे, पर ऐसा ऐसा मतलब आर्टिस्ट का नहीं जाएंगे जिसको हम पसंद नहीं करते डेफिनेटली। जैसे कोल्ड प्ले का सॉन्ग हमको पसंद है, फिक्स यू, यू बहुत सारा सॉन्ग सुने हैं जो हमको कोल्ड प्ले का बहुत मतलब बहुत ज़्यादा बार सुने हैं, ऐसा नहीं कि कोई ख़राब सॉन्ग है। और वही है, हाँ जाना था तो उफ, लेट्स गो। कहीं नहीं, आगे बढ़ते हैं। BTS बींग क्योटिक, ये मेरे को कल को रिकॉर्ड करना था और मिल नहीं पाया। हम पूरा टाइम रिफ्रेश कर रहे थे पेज को कि मिल जाए मेरे को टिकट, पर कोई नहीं, लेट्स गो। सो न्यू होंडा पेडल्स लगे हैं ना इसमें, ये क्या है, सेटिंग ऑटो जनरेटेड, ओ नहीं चाहिए। ओके ओके, कूल कूल बंदे लोग एंट्री ले रहे हैं एकदम शांति से, पहली बार ये लोग इतना शांति से अवार्ड लेते हुए देख रहे हैं। सेवेंटीन मीनवाइल क्वालिटी इतना खराब क्यों है? तुम लोग ये देखे कि नहीं, जिन गुची का इसमें, ओ माय गॉड क्या लग रहा है बंदा भाई। हमको पहले वो ड्रेस में देखे ना जिन को, एकदम डिफरेंट पर्सन ही लग रहा था, बट एकदम पूरा चेस्ट एक्सपोज, गुची का एकदम लग रहा कि भाई हाँ जिन एकदम। वही इसको फनी वे में देख देख के आदत हो गया ना, वैसे सीरियस एकदम मॉडल वे लुक में देख के बहुत वेट लग।
शुगा शुगा멤버 볼에 뽀뽀해 주기 찍어서 영상 올리세요. 죄송합니다. 늦었으니까 가보겠습니다. 24 hours later. 아니면 지금 이제 BC 나오셨으니까 BC 나오신 김에 두 분이서 볼 뽀뽀 영상 찍으세요. 하고 싶지 않습니다. 아니 무슨 그런 말씀을 하십니까? 안해요. 원하시잖아요. 원하시잖아요. 원한다고 하니까 안 할 거예요. 아미가 보고 싶어 미치겠다고. 10 seconds later. 아유 시켰잖아. ये क्लिप आइडल ले रखा है ना, वी का बाल देख के हमको याद आया एक येलो और पिंक। ओ ओ ओ, ओ ये तो आइडल में यही कलर था ना। ने 안녕하세요. 한번 인사 한 분 한 분씩 해주세요. 네. 네, 둘. 아, 우리 팀 아니구나. 네, 안녕하세요. 이렇게 아플라 개발함 쓰는가? 주세요. 네. 네. 아, this is. 어, this is not. 둘. 아, 우리 팀 아니구나. 네, 안녕하세요. 당신만의 지인가. 3 MC. 네, 그래. भाई बंदा प्री प्लान किया था कि रखो चुपचाप जाके मांगा है। ताजी खा पायो। ने चल करे हो। ने चले बताओ। ने चौमें बुतो। ने खाना के चौमें। ने हाँ दो तीन चार ओरेंज चौमें बिता। Shiga's bodyguard. ये क्लिप में हम लोग देखे हैं। सब दूर दूर बैठा है।무신 모습 많이 봤었는데 오늘은 뭔가 이 패딩 어이구야. 네. 뭐 이 클립 जितना बार देख ले फनी रहेगा भाई। ही वी उस काइंड ऑफ पर्सन है भाई। ब्लेम टीचर के सामने कुछ भी गिरा ये किया।모습 많이 봤었는데 오늘은 뭔가 이 패딩 어이구 빨리 छोड़ दिया। 지민 लिया ही नहीं। 지민 जैसा हाथ बढ़ा है ग्रैब करने के लिए भी छोड़ दिया था। 어이구야. 네. 네. 그리고 이 쿠키가 맛있어서 RMC는 심지어 종이까지 같이 드실 뻔했어요. 뻔했어요. 어? 어? 듣지도 않고 지금. 오이. 어? 어? 듣지도 않고 지금 종이 그대로 드신 것 같은데 RMC? 저거 종이 뱉으셔야 돼요. 종이 뱉으셔야 돼요. 그 안에 종이 있어요. 종이 뱉으셔야 돼요. 아, 네. 제가 그때 아직도 얼마나 놀랐었는지 제가 어휴, 네. 작년에 저랑 드셨어요. 네.
종이도 드셨고 종이 오늘 드지 마세요. 네. MC상으로 드리겠습니다. 아유 고맙습니다. 저 대상 받았어요. 네 저는 잘생겼습니다. 네. 아 2017 앞으로 감사합니다. 네. 될 수가 없죠. 만약에 남주를 네. 뽑는다면 네네. 어떤 분은 남자 주인공으로 Those moments have become precious. 재밌다. 남자 주인공. 아 그렇지. 그렇죠. 아, 예, 예. 그렇죠. 그렇죠. 남주 얼굴이요. 네. 네 좋아. 네. 미국의 한 리서치에서 세계 미남 가수 1위를 한 분이 계신데요. 방탄소년단 비씨가 네. 아 그리고 또 여기 앉아 계신 모든 분들이 더 아름답고 빛나는 것 같습니다. 자, 얼굴이 빛나는 하나 둘 셋. 어 빛이 나요. 어 빛이 납니다. 에 안녕하십니까. 오늘도 잘생긴 진입니다. 감사합니다. 나 슈가가 닌자란 마이 닌자 스토리 아게아오 띵띵띵띵 오케이 아래 마레 마레 바이에 마르팅 오타 아 빅히트 엔터테인먼트 좋은 회사입니다. 아 좋아요. 그렇죠, 그렇죠 마이크를 좀 내려주시면 감사하겠습니다. 축하합니다. 비디님 축하드리고 꼭 다이어트 성공하세요. 올해는 꼭 아 내년에도 꼭 성공하셨으면 좋겠습니다. 꼭 건강하세요. 약속했어요 저희랑. Yo, He-Man back. 방시호 PD님 정말 사랑한다고 하겠습니다. Yo, He-Man back. I love you. 이거 뭐 이래 나를. 만들어주셨는데 아 정말 감사하다는 말씀을 전하고 싶고 그리고 이 뮤직비디오를 봐주신 우리 아미 여러분 정말 감사하고 저희 다음에도 더 멋지게 해서 나올게요. 기대 많이 해주세요. 감사합니다. 3년의 발자취를 돌아보면 한국 대중가의 흐름을 알 수 있는 거 아시죠? 흐름을 알 수 있는 거 아시죠? 네 그렇습니다. 시간이 빠르구나 라는 생각이 들었고요. 드리고 싶고요. 노래를 들어주신 많은 분들, 모든 분들과 그리고 슈가 가지신 배우분이시죠. 네, 저희 이름 예 마이크 드롭이란.
아찌가 왜 자라. टेक्सटाइल एंड अपैरल्स राज भाई मेरे यहाँ का भी ऐड आने लगा मेरे को. ओके भाई वीडियो को थोड़ा सा क्वालिटी मतलब खराब क्वालिटी वीडियोस भी ना ज्यादा फनी रहता है. अरे ये कहाँ जा रहा है. ओ माय गॉड यहाँ बहुत सारा क्लिप देखा हुआ था पर भाई ये सब क्लिप जितना बार देखो उतना ज्यादा फनी लगता है. Oh my God, हम जो सो के उठे हैं पता है कल को पूरा ट्राई किए कॉन्सर्ट का ये लेने का सैडली मिल नहीं पाया. बट यहाँ प्रॉब्लम क्या है ये बस इंडिया का प्रॉब्लम नहीं है. बहुत कोई टिकट्स ले लेते हैं ब्लैक में बेचने के लिए. मतलब तुमको अभी भी टिकट मिल सकता है पर तुमको उसके लिए वो जो 4,000-6,000 का जो टिकट था उसके लिए तुमको 10,000-20,000 देना पड़ सकता है. तो आई डोंट थिंक हम उतना पे करने वाले हैं जाने के लिए. पर आई थिंक हम पापा से बात करते हैं अगर उनके पास कोई सोर्स हुआ कहीं से मिल सकता है तो वो तो जाएगा. तो ट्राई करते हैं अगर तुम लोग अपडेट देते हैं मिलता है तो तुम लोग को भी मतलब एज अ हल्का ब्लॉग बनाने का ट्राई करेंगे अगर जा पाए तो. तो अगर कोल्ड प्ले का है तो हम डेफिनेटली ट्राई करेंगे क्योंकि एक्सपीरियंस तो एक्सपीरियंस होता है. तो खराब लगा कि मिल नहीं पाया बट एक होता है ना कि अभी भी चांसेस है तो अभी भी हम मिस आउट नहीं करना चाहते क्योंकि हम आज तक मतलब फुल्ली कॉन्सर्ट में कभी नहीं रहे. जब हम क्लास 9 में थे तब मार्शमेलो आया था लेकिन हमको जाना चाहते थे गए भी थे पर ज़्यादा देर रुक नहीं पाए थे. हम लोग को वही हम मतलब वही होता है ना स्टूडेंट लोग को ज़्यादा देर बाहर नहीं तो स्टार्ट ही हुआ था कितना स्टार्ट हुआ था कॉन्सर्ट 9:30-9 के आसपास. हम लोग घर घुसना था 10 के आसपास. तो डेफिनेटली वो होता है कि नहीं रह पाए स्टार्टिंग का कुछ 10-15 रहते फिर निकलना पड़ता. वो भी हम लोग विदाउट टिकट गए थे मतलब वो सेक्शन ही विदाउट टिकट वाला था तो कुछ एक्सपीरियंस कर नहीं पाए थे. तो बहुत ख़राब लगा था जब वहाँ से हट रहे थे क्योंकि एक सेक्शन होता है ओपन फील्ड पूरा बोल के मतलब जो स्टेडियम था उसके थोड़ा एकदम एच पे कि कॉन्सर्ट देख सकते हो तुम अच्छा से दिखता है. हम लोग वहाँ पर दोस्त लोग गए थे मज़ा आया था. धूप से भी वही मार्शमेलो का सॉन्ग है और मार्शमेलो को तुम लोग नहीं जानते बहुत कोई जानता होगा बहुत कोई नहीं जानता होगा तो एक काइंड ऑफ बोल सकते डीजे काइंड ऑफ है. तो वो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस बोल सकते कॉन्सर्ट को लेके बट वो फर्स्ट एक्सपीरियंस नहीं भी बोल सकते क्योंकि हम थोड़ा टाइम के लिए थे और ऑफिशियली हम स्टेडियम मतलब स्टेडियम के अंदर थे बट ऑफिशियली हम कोई सीट पे नहीं थे कि हाँ ऑफिशियली गए.
तो हमको जाना है बस रैंडम कोई आर्टिस्ट का, नहीं जाना जिसका हम सॉन्ग नहीं सुनते, जैसा मार्शमेलो का उस समय हम सुनते थे, बट अब हमको मार्शमेलो से इंटरेस्ट उठ चुका है, हम ज़्यादा नहीं सुनते मार्शमेलो, बट डेफिनेटली अभी हम बहुत कुछ गिने चुने आर्टिस्ट को ही सुनते हैं, मोस्टली के पॉप। अभी मेरे लिस्ट में अभी जैसे एग्जांपल ले लो, स्ट्रे किड का 2-3 सॉन्ग है, ठीक है ना, हफ्सा का मारिया है जो कि हम जहाँ तक याद है सब नहीं बोल पाएंगे, मोस्टली बीटीएस सॉन्ग्स है, फिर कोल्डप्ले का भी कुछ कुछ है ये है, फिर ये है इसका लिंकिन पार्क का मेरे पे 6 से 7 सॉन्ग है, फिर यही है, और 2-3 ग्रुप है पर हम याद नहीं आ रहा, फोन चार्ज में लगा हुआ है दूर पे, तो वही है जो सुनते हैं उसका। अगर कॉन्सर्ट में जाने का मिले छोटा क्यों ना हो, जैसे कोई बहुत बड़ा 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 आर्टिस्ट, निश्चित एग्जांपल ले लो, मेरे से कल मेरे पापा पूछे थे, वो अगर बाहर जाना है, वो कहीं निकलना है कंट्री से मतलब घूमने, तो कहाँ जाओगे, तो मेरा फर्स्ट ऑप्शन जापान था, ऑफकोर्स आई लव वहाँ का, मतलब अगर एग्जाम्पल ले लो वहाँ जाके जो एक्सपीरियंस करने को मिलेगा, क्योंकि वहाँ का म्यूजिक इंडस्ट्री इतना बड़ा है और वहाँ का चीज इतना बड़ा है, और एन में तो हमको पसंद है ही, वहाँ जाके जो एक्सपीरियंस करने का मिलेगा, जैसे कोरिया हमको मतलब दूर से ही देखने का कोरिया सही है हमको, मतलब एज एन कोरियन फूड ठीक है, बट एज कम्पेयर टू इंडियन फूड हमको नहीं लगता हम वहाँ जाके 1-2 दिन के अलावा हम ज़्यादा कोरियन फूड खा पाएंगे, क्योंकि वो दुखियारे लगता है हमको देखने में, कुछ कुछ बहुत टेस्ट लगता है ऑफकोर्स, नूडल्स से लेके ये सब एकदम नेक्स्ट लेवल टेस्टी देख के लगता है, बट भाई इंडिया का फ्लेवर, इंडिया का ये नेक्स्ट लेवल रहता है, क्योंकि हम कोरियन फूड ट्राई किए और कोरियन हल्का हल्का मतलब फुल्ली एक्सपीरियंस नहीं किए हम बोल सकते हैं, पर हम हल्का हल्का जो भी ट्राई किए हैं आई थिंक इंडिया का फूड बेटर है, पर वहाँ जाके करना डिफरेंट है आई नो, बट वहाँ का मतलब ज़्यादा कैसे बोले, एग्जांपल ले लो ज़्यादा फूड में ज़्यादा उतना ज़्यादा फ्लेवर नहीं रहता, वो लोग ज़्यादा स्पाइसेस यूज़ नहीं करता, ज़्यादा ये नहीं यूज़ करता जो हम लोग को जा यहाँ पर करना पसंद है, मतलब टेस्टी रहता है बट लेवल नहीं है वो लोग का बोल सकते हैं, बट कंपेयर टू मतलब वहाँ जाके तुम 1-2 वीक रह के टेस्टी फूड खा के आ सकते हो वो उतना ही ठीक है, बट वहाँ तुम शिफ्ट होके रहोगे तो तुमको यहीं का फूड याद आएगा, मतलब लॉन्ग टर्म के लिए वहाँ ज़्यादा वो फूड तुमको सूट नहीं करेगा, तो वही बात है, पर ऐसा जापान का अगर जाना चाहे, क्योंकि कोरियन में मतलब कोरिया में हमको उतना खास बीटीएस के अलावा खास इंटरेस्ट नहीं है, वहाँ पर कुछ है भी नहीं ऐसा कुछ देखने को ज़्यादा मेरे को है, मतलब ऐसा नहीं कि हम बोल रहे कुछ नहीं है, मतलब मेरे को जो इंटरेस्ट है वहाँ मतलब मेरे को जो देखना है वहाँ ऐसा ज्यादा कुछ नहीं है, हम थोड़ी ना जाके वहाँ हाइप का बिल्डिंग के सामने जाके खड़ा हो जाएंगे ना, बट हाँ बीटीएस म्यूजियम म्यूजियम है, बट वही बोल रहे जो बीटीएस और कुछ सब वो सबसे रिलेटेड जो चीज़ है, और जापान में मेरे को कम ऐसा टाइम पे जाना है, मतलब हम ट्राई करेंगे ना अगर जाए भी, अगर कोई कंट्री ट्रैवल वगैरह कर, अगर हम कोरिया भी जाना पड़े तो जब जैसे वैलोरेंट का टूर्नामेंट टूर्नामेंट होता है ना बड़ा बड़ा, मतलब जैसा अभी चैंपियंस टूर हुआ था सोल में, फिर कोई एकदम मतलब स्पेसिफिक हम रूट लेके जाएंगे, मतलब ऐसे करके जाएंगे कि कुछ इवेंट में जाना है, कोई इवेंट के हिसाब से जाएंगे कि इवेंट में इवेंट है उसके 2 दिन पहले गए एक्सप्लोर किए इवेंट अटेंड किए, फिर 1 दिन रेस्ट किए, मतलब रेस्ट मतलब वहाँ का अलग अलग चीज़ ट्राई कर वाला रेस्ट, कि वहाँ का साइट सीइंग वाला रेस्ट, मतलब ये फर्स्ट डे पूरा मतलब एक्सप्लोर किया और एक सामने ही जो है वो वाला चीज़ करके लास्ट डे पे आराम से वापस, तो वैसा वाला एकदम फिल्टरिंग हमको चाहिए कि ज़्यादा साइडवेज ना जाए, तो वही है कि आराम से रेस्ट करके मतलब एकदम जल्दी जल्दी ना घूमना है, एकदम आराम से घूमना है, तो वही है हम वही अब सोच रहे थे कि हम कहीं ज़्यादा मतलब दूर अकेले ट्रैवल नहीं किए तो हमको करना है, तो वही भी
जैसे एग्जांपल ले लो, अभी तो कोलकाता जा रहे हैं, वहाँ पर मतलब रिलेटिव के वहीं जा रहे हैं, तो वहीं रुकेंगे, वहीं रुकेंगे, वही सब होगा। तो कोलकाता में दुर्गा पूजा में वहीं रहेंगे, तो अभी हम कुछ रिकॉर्ड करने बैठेंगे कुछ टाइम बाद, कि तुम लोग के लिए कि हम जब वहाँ रहे तो कोई दिक्कत ना हो, हम वीडियो डाल के जाएंगे ढेर सारा कि तुम लोग देख पाओ। और सोचो एग्जांपल ले लो, वह कोल्ड प्ले का अगर रहता, कोल्ड प्ले का अगर कॉन्सर्ट जा पाते, तो वहाँ मुंह में भी आज तक हम गए नहीं, तो एक्सप्लोर करने का मौका मिल जाता। और क्या बोलते हैं, इधर जैसे दिल्ली साइड में भी हो रहा है, तो दिल्ली का मतलब दिल्ली को भी एक्सप्लोर करना है, पर हमको दिल्ली उतना जाने में इंटरेस्ट नहीं है, मुंबई में ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो हम जाएंगे ऑफ कोर्स, कोई बिग अनाउंसमेंट होने पे, तो नहीं बोलना था कि हम अभी एक्सप्लोर करने का सोच रहे, कभी हमको मतलब निकलना पसंद नहीं है ज़्यादा, बट अभी माइंड में आया तो तुम लोगों को बोल दिया कि तुम लोग भी कुछ आइडियाज दे सकते हो, अगर जाना है तुम लोगों को क्या क्या देखना पसंद है। तो अभी के लिए हम चलते हैं गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टाटा, सी यू, सायोनारा।